उत्तर प्रदेश की सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी से दर्दनाक हादसे की खबर आई है। इसमें 5 डॉक्टर्स की जान चली गई। यह हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ। सभी डॉक्टर्स स्कॉर्पियो गाड़ी से लखनऊ से आगरा जा रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और दूसरी लेन में पहुंच गई, जहां सामने से आ रहे ट्रक से उसकी टक्कर हुई। यह हादसा बुधवार तड़के करीब 3 बजे हुआ। बुधवार सुबह इस एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे की खबर आई। इसमें सैफई मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवा दी। बताया जा रहा है कि सभी डॉक्टर स्कॉर्पियो कार में सवार होकर लखनऊ से आगरा जा रहे थे, तभी तड़के करीब 3 बजे तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़ते हुए पलट गई। इसके बाद पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गई और इतना बड़ा हादसा हो गया। ये हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी में बैठे 6 में से 5 डॉक्टर्स मौके पर ही खत्म हो गए। वहीं जिंदा बचे इकलौते डॉक्टर को अस्पताल पहुंचाया गया है, जिसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। ये लगभग घटना सुबह 3:30 बजे की है, क्योंकि हमारे पास एक यूपीडा वाले ये जो वैन है वहाँ की वो लेकर आई है, जिसमें कि टोटल 6 पेशेंट्स आए, जिसमें से जो है ब्रॉड डेड थे, 5 ब्रॉड डेड हैं, एक काफ़ी क्रिटिकली इंजर्ड है, सीवियर हेड इंजरी है, उसको हम मैनेज कर रहे हैं, और टोटल 6 लोग थे। और ये जो कि जैसा कि बताया गया है कोई इनोवा कार थी, वो ट्रक में घुस गई। हाँ, ये पता चल रहा है कि वहाँ ये सैफई यूनिवर्सिटी में ये सब लोग पीजी कर रहे हैं, ये पीजी स्टूडेंट्स हैं। आज दिनांक 27 नवंबर 2024 को समय लगभग 3:30 बजे एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो कि आगरा एक्सप्रेसवे 196 किलोमीटर पर जा रही थी, जो कि लखनऊ से आगरा की तरफ प्रोसीड कर रही थी, अचानक डिसबैलेंस होकर डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ आ गई और सामने से आ रही ट्रक जो कि ऑपोजिट साइड से आ रही थी उससे टकरा गई, जिससे स्कॉर्पियो में बैठे 5 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज दिलवा एडमिट कराया गया। उपरोक्त सभी लोग मेडिकल कॉलेज सैफई जनपद इटावा में डॉक्टर व लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर तैनात है और सभी के घर वालों को सूचित कर दिया गया है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी डॉक्टर्स सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी से पीजी की स्टडी कर रहे थे। इस भीषण हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया सुबह करीब 3 बजे के आसपास कंट्रोल रूम को हादसे की सूचना मिली थी। बता दें कि कन्नौज के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा बुधवार तड़के करीब 3 से 4 के बीच हुआ। मिली जानकारी के अनुसार सैफई मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टर्स अपनी कार से एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। इस दौरान कार एक ट्रक से टकरा गई। ये टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद कार में चीख पुकार मच गई। पास से गुजर रहे लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।